नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बिजनेस जिसे आप अपने घर से शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। पेपर लाइन से रिलेटेड ये बिजनेस है और आसानी से आप हर कहीं कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं ये बिजनेस क्या है और इसे कैसे शुरू करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का नोटबुक्स का ब्रांड बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे नोटबुक्स बनाकर उसे सेल करने को। दोस्तों, यह एक बड़ा बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अधिकतर अच्छा मुनाफा देता है। नोटबुक्स की सबसे ज्यादा खरीद स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा होती है। इससे अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सभी ऑफिस में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा सभी दुकानों पर और सभी बिजनेस में अपना हिसाब और बाकी जानकारी रखने के लिए भी नोटबुक का यूज होता है। नोटबुक की मार्केट बहुत बड़ी है, और अगर ऐसे में आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बिजनेस की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आपको नोटबुक बनाना शुरू करना है, क्या मशीन चाहिए होगी, कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी, कितना खर्चा आएगा इस काम में, और कितना मुनाफा आप इस काम में ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनेस में। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सबसे पहले एक जगह का प्रबंध करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और कच्चा माल खरीदना होता है। इसके बाद आप दो या तीन कारीगर लगाकर काम को शुरू कर सकते हैं। माल तैयार करने के बाद आप उसे होलसेल और रिटेल मार्केट में बेचते हो और मुनाफा कमाते हो। अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी। दोस्तों, आपको इस काम के लिए कम से कम 40 गज जगह की जरूरत होगी जहां से आप माल को तैयार कर सकते हो, और जगह किसी भी स्थान पर हो सकती है। इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप माल सिर्फ तैयार कर रहे हो, उसे आपको बेचना नहीं है उस स्थान से, तो स्थान कोई भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपए में आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, नोटबुक मेकिंग मशीन में हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, और आज हम आपको बताएंगे मॉडल 1 के बारे में, जिसमें हमारे पास आती है सबसे पहले नंबर पे नोटबुक स्टिचिंग मशीन फुट ऑपरेटेड, जिसे हम पैर से चला सकते हैं। हमें हर बार पैर से दबाकर पेन को लगाना पड़ेगा। दूसरी मशीन आती है एज स्क्वेयरिंग मशीन ऑटोमेटिक। इसमें हमने कॉपी रख देनी है और इसने ऑटोमेटिकली नोटबुक को प्रेस करके हमारी नोटबुक को बैक स्क्वेयर कर देना है। और तीसरे नंबर पे हमारी मशीन आती है पेपर कटिंग मशीन मैनुअल। ये हमारे पास 32 इंची में भी अवेलेबल है और 36 इंची में भी, जैसे का आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे का आपको मिल जाएगा। और इसमें फोर्थ मशीन आता है श्रिंक रैपिंग मशीन, जो कि ऑप्शनल होता है। इसका काम होता है कि जैसे आपकी नोटबुक रेडी हो जाती है, आप उसको 5-5, 6-6 के पैकेट्स में तैयार करके उसको रैपिंग कर सकते हैं, जिससे इसका स्टोरेज करना आसान होता है। तो ये थी हमारे पास 4 मशीनों का सेट, जिसे आप लेके अपना सेटअप शुरू कर सकते हो। तो चलो वीडियो देख लो कैसे काम होता है। We'll be right back.
तो दोस्तों जैसे आपने देखा ये तीन मशीन है जिसमें आपकी पहली आती है स्टिचिंग मशीन, दूसरी आती है एज स्क्वायर मशीन और तीसरी आती है पेपर कटिंग मशीन। जैसे कि आपने इसका वर्किंग देखा कि कैसे कितना आसान है और आप इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप स्टार्टिंग करने के लिए तीन मशीनों से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपका बजट कम है तो आप इन दो मशीनों को भी लेके स्टिचिंग और कटिंग को तब भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग और कटिंग लेते हैं तो इनका बजट आपका तकरीबन 2.5 से 2.75 लाख के आसपास आएगा और अगर आप स्क्वेयरिंग के साथ लेते हो तो ये आपका 4 से 5 लाख के आसपास आएगा। स्क्वेयरिंग का ये होता है कि आपका एक्यूरेसी बढ़िया आ जाती है और नोटबुक मार्केट में ईजिली सेल हो जाती है। तो ये थी हमारी तीन मशीनें। तो देखो कितना आसान काम है और इसे आप किसी भी कमरे में 10x20 का एरिया हो वहाँ पे लगा के अपना प्लांट शुरू कर सकते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं कि पैकिंग मशीन कैसे काम करती है और कैसे नोटबुक पैक की जाती है। अब आपको बताते हैं कि कच्चा माल क्या लगेगा, कहाँ से मिलेगा और कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों कच्चे माल में आपको पेपर और नोटबुक का कवर खरीदना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों नोटबुक का पेपर लाइनिंग वाला पूरी तरह से तैयार मिल जाता है और नोटबुक कवर भी आपको तैयार मिल जाते हैं। आप अगर चाहें तो नोटबुक कवर पर ऑर्डर पर अपनी नोटबुक का नाम लिखवा सकते हैं जिससे आप अपने नाम की नोटबुक मार्केट में सेल कर सकते हैं। इससे आगे चलकर आपका अपना नोटबुक ब्रांड भी बन सकता है। दोस्तों ये कच्चा माल आपको किसी भी बड़े शहर की होलसेल मार्केट में मिल जाएगा और दोस्तों ये कच्चा माल 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो तक आपको मिल जाएगा। जगह, मशीन और कच्चे माल की व्यवस्था करने के बाद आपको मैन पावर चाहिए होगी, जिसके लिए आप 2 कारीगर रख सकते हैं माल तैयार करने के लिए। अब इस काम को शुरू करने में कुल कितने पैसे लगेंगे आपको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉफिट की। इस काम में 100 पेज की एक नोटबुक तैयार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपये से 10 रुपये होगा और आप इसको अगर होलसेल मार्केट में बेचेंगे तो आपको एक नोटबुक पर 4 रुपये से 5 रुपये मिल जाएंगे। अगर रिटेल मार्केट में आप अपना माल ले जाकर बेचते हैं तो एक ही नोटबुक पर आपको 7 रुपये से 8 रुपये मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस काम में मुनाफा भी अच्छा है। एक बार आप अगर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होलसेल और रिटेल मार्केट में अपने संबंध अच्छे करने होंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा माल बेच सकें। इतना ही था आज की वीडियो में। इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।